हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आ गया हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, जिन विद्यार्थियों को जरूरत थी यहाँ पर जेविनल हेल्पर टू, एविनल, जेडीविनल, एविनल सभी की भर्तियों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो क्या न्यूज आ रही है अभी हाल ही की, यहाँ पर सवालों पर सवाल उठ रहे हैं इस भर्ती पर, वो आपको मैं बताऊंगा। क्या सवाल है इस भर्ती को लेकर, सिलेक्शन हुआ या नहीं, दोनों को ये वीडियो देखनी है दोस्तों। और ये आवाज़ हम बुलंद करेंगे कि आपकी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और इसके लिए हम जल्दी कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में तो भर्ती फंसती ही जा रही है और भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अखबार में क्या न्यूज आई हुई है आज की इस भर्ती को लेकर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, यह जानकारी अभी के आज ही के न्यूज़पेपर की है, राजस्थान पत्रिका की। तो चलिए आपको जानकारी दिखा देते हैं, क्या जानकारी है। निजी कंपनी को दे दी तकनीकी हेल्पर द्वितीय परीक्षा की जिम्मेदारी, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। सवालों के घेरे में डिस्कॉम की भर्ती और पदोन्नति की परीक्षा प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये सवालों की इसमें फंस चुकी है। देखिए यहाँ पर जानकारी आप डिस्कॉम की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया, तो दोस्तों यहाँ पर ये फंस चुकी है, पर निकालना भी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए आपको जानकारी बता दें, कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि भी उठा चुके हैं मामला, मगर कार्यवाही वितरण में शामिल नहीं। आगे और जानकारी है, राजस्थान नेटवर्क, जानकारी जयपुर से आ रही है। जयपुर डिस्कॉम में भर्ती परीक्षा से लेकर पदोन्नति के इंतजाम में नौकरशाहों की मनमानी सामने आई है। इस भर्ती प्रक्रिया में न केवल नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई है, बल्कि पारदर्शिता प्रक्रिया की भी परवाह नहीं की गई है। दरअसल तकनीकी हेल्पर द्वितीय के लिए हुई परीक्षा एक निजी कंपनी से करा ली गई, इसके लिए न तो निविदा जारी की गई, न ही बोर्ड से अनुमति ली गई, केवल तत्काल CMD के स्तर पर ही अनुमति प्रक्रिया पूरी करा ली गई। ये परीक्षा चेन्नई के सतवत क्रम से करवाई गई। गंभीर यह है कि इसमें भी दो बार आंसर की जारी कर दी गई, इससे परीक्षा की पारदर्शिता सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले दिनों डिस्कॉम के MD के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक भी थी, में मुद्दा उठा गुजा। यूनियन के पदाधिकारियों ने इस पर सवाल उठाए, हालांकि जानबूझकर बैठक के कार्यवाही विवरण में यह शामिल भी नहीं किया गया। तकनीकी हेल्पर द्वितीय के 2500 से ज़्यादा पद के लिए परीक्षा हुई थी, यानी कि जयपुर के बताए जा रहे हैं 2500। ऐसा ना सोचे कि हमारी भर्ती तो 2506 पदों पर है, नहीं दोस्तों, ये सब यहाँ पर जयपुर वाले की बात की जा रही है। ज़्यादा पद के लिए परीक्षा हुई थी, जिनकी अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में उच्चाधिकारी सवाल के घेरे में है। आगे और जानकारी आप देखते रहिए, यहाँ पर देखिए, जवाब मांगते सवाल, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, सच जानने के लिए जांचें क्यों नहीं करवाई। अगले क्वेश्चन है, कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि ने निजी एजेंसी को सीधे ही परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपने पर सवाल उठाए, तो उस बैठक कार्यवाही विवरण में शामिल क्यों नहीं किया गया। आगे जानकारी है, यहाँ पर तत्कालीन CMD स्तर पर ही फैसला लेने का दावा किया जा रहा है, मगर फाइल पर नोटिस किस किस अधिकारी की थी, ये क्यों नहीं देखा जा रहा। आगे और जानकारी आप जानते रहिएगा, यहाँ पर देखिए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं 21 में अपनों को अपकृत किया गया है, उधर डिस्कॉम के MD ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा एजेंसी ने चयन के लिए निविदा जारी नहीं की गई, लेकिन अब भविष्य में बिना निविदा के ऐसा नहीं होगा। आगे जानकारी है, तत्काल CMD ने निर्णय पर ही सीधे निजी कंपनी से परीक्षा हुई, केवल मेरे स्तर पर फैसला नहीं हुआ, वैसे सीधे कंपनी की को जिम्मेदारी दी जा सकती है। राकेश शर्मा मुख्य कार्मिक अधिकारी जयपुर से बड़ी खबर है। आगे जानकारी है, यहाँ पर क्या जानकारी आप देखते रहिए, ये देखिए, ये भी घेरे में, डिस्को में मृत कर्मियों के आश्रितों को की नियुक्तियां हुई, इनकी पदोन्नति के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टंकन परीक्षा भाषा में पुस्तकालय विभाग के स्तर पर ही आयोजित करने का फैसला बोर्ड की 9 फरवरी 2017 को हुई 255वीं बैठक में किया गया। इसी के तहत जुलाई 2017 को परीक्षा हुई, इसमें केवल एक कर्मचारी सफल हुआ, इसके बाद भी डिस्कॉम प्रशासन ने अपने स्तर पर फरवरी 2018 में परीक्षा करा ली, इसमें वे कर्मचारी पास हुए जो विभागीय परीक्षा में फेल हुए थे। हालांकि अफसर DOP के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जिसमें जिला स्तर पर ही परीक्षा लेने के लिए कहा गया। अगली जानकारी है, तकनीकी हेल्पर परीक्षा के लिए निविदा प्रक्रिया नहीं हुई, हालांकि CPO ने तत्कालीन CMD स्तर पर मंजूरी लेने की जानकारी दी, अब बिना निविदा प्रक्रिया के किसी भी परीक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों ने
मामला उठाया था, लेकिन यह बैठक का एजेंडा नहीं था, इसलिए कार्यवाही विवरण में शामिल नहीं हुआ। पदोन्नति परीक्षा मामले में सही स्थिति पता कर रहा हूँ। एके गुप्ता, प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम। यहाँ से बड़ी खबर है, आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे द्वारा आपको टाइम टाइम पर सभी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस भर्ती को लेकर के हम बिल्कुल चिंतक है दोस्तों। आप ना सोचिए कि इस भर्ती में देरी होने देंगे, देरी नहीं होने देंगे। कुछ भी हो, इसमें कितने भी सवाल उठे, ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल की पल पल की अपडेट, और आपको मिलती रहेगी मेरे द्वारा पूरी जानकारी। तो धन्यवाद, मैं मिलूँगा आपसे अगली कोई बड़ी अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।